हाय गाइस, मैं आलिया अंसारी फ्रॉम यूपी बैक टू माय चैनल। मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ ब्राइडल आई मेकअप। गाइस, तो बहुत ही इजी स्टेप है ये ब्राइडल आई मेकअप का। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ आप सबको, और आईब्रो फिल कैसे करते हैं, इजी सिंपल स्टेप आईब्रो फिल करने का, आईलाइनर लगाने का। गाइस, बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाली हूँ, तो बने रहिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। चलिए आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। देखिए, ये आई शेडो का पैलेट है गाइस, जिसमें 16 शेड का कलर दिया है। इसमें बहुत ही अच्छा ये पैलेट है गाइस, तो आपको अगर चाहिए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ये आईलाइनर है गाइस, ये लूज पाउडर ब्यूटी ब्लेंडर और ये फाउंडेशन है गाइस, एक नॉर्मल ब्रश है। तो देखिए, हम इतने से ही आई मेकअप करेंगे, वो भी ब्राइडल आई मेकअप गाइस। तो ये हाथों पे करके बताने वाली हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले गाइस मॉइस्चराइजर लगाना है। अगर आप प्राइमर आपके पास नहीं है तो आप मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। देन उसके बाद ये फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अप्लाई होता है गाइस, तो उसी से अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, अच्छे से हो गया। ये लूज पाउडर हम लगा रहे हैं ताकि फाउंडेशन सेट हो जाए। चलिए आईब्रो फिल करते हैं अच्छे से। देखिए, आईब्रो फिल करने का इजी तरीका, सबसे सिंपल तरीका, इसमें लाइनिंग बना लीजिए आप। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइनिंग बना करके फिल कीजिए, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा गाइस। देखिए कितना आराम से बन गया ये आईब्रो, अच्छे से और जल्दी भी हो जाएगा गाइस। देखिए कितना अच्छे से बन गया, आईब्रो फिल हो गया है। तो आप अगर बिगनर्स हो तो आप लाइनिंग करके ही बनाइए गाइस। और इस पैलेट में 2 शेड दिया, एक डार्क शेड और एक लाइट शेड। तो पहले डार्क शेड हम लिए हैं, उसके बाद लाइट शेड लिए हैं। देखिए, दूसरा वाला भी वैसे ही करना है गाइस, दूसरा आईब्रो भी वैसे ही फिल करना है। पहले लाइनिंग करना है, ब्रश से ही लाइनिंग कर लीजिएगा आप। देन उसके बाद उसमें फिल करना है पूरा। देखिए कितने आराम से बन गया ये आईब्रो। देखिए कुछ सेकेंडों में, मिनटों में बन जाएगा गाइस। कितना अच्छे से इसको फिल कर लेना है गाइस। ब्रश अच्छे से चलाइएगा, आराम आराम से हल्का हाथ रखिएगा ब्रश चलाने के समय, ताकि बहुत अच्छे से फिल हो सकता है। और ब्रश हल्का हाथ से चलाएंगे तो बहुत अच्छा मेकअप होगा गाइस। देखिए, ये हम हाइलाइटर लगा रहे हैं गाइस। हाइलाइटर इसलिए लगा रहे हैं ताकि आईब्रो का शेप बहुत अच्छा दिखेगा हाइलाइटर से। देखिए कितना अच्छा शेप बन जा रहा है, तो इसके लिए हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम हाइलाइटर लगा रहे हैं और शेप भी अच्छा दिख रहा है आईब्रो का। देखिए, इधर उधर लगाने में, आईब्रो फिल करने में थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो हाइलाइटर से आप कर सकते हो। और आपके पास कंसीलर है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अभी आँखों का शेप बनाना है, तो ब्रश से ही शेप बनाएंगे हम। ये आँखों का शेप इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको कट क्रीज बनाने में आसानी हो गाइस। तो कट क्रीज बहुत ही अच्छे से बनेगा, ऐसे ही आप आँखों का शेप कर लीजिए पहले। शेप करने के बाद फिर आपको जो शेड लेना है वो शेड लीजिए, उसके ऊपर अप्लाई करिए। देखिए कितना अच्छा इजी कट क्रीज बन जाएगा गाइस। पहले लाइट शेड लेना है, हम लाइट शेड लिए हैं ऊपर की ओर लगा देना है लाइट शेड। ब्रश आराम से चलाइए गाइस, ब्रश से ही लगाना है, अप्लाई करना है। देन उसके बाद ये डार्क शेड लिया है हमने, उसके नीचे ही अप्लाई करना है डार्क शेड। पहले लाइट शेड लीजिएगा, उसके बाद डार्क शेड लीजिएगा, लुक अच्छा मिलेगा गाइस आपको। देखिए देखिए, लाइट शेड हम अंदर की ओर दे रहे हैं ताकि गोल्ड सिमरी कलर लेना है गाइस, इसमें अप्लाई करना है। देखिए, और गोल्ड सिमरी कलर इसलिए हम लिए हैं, ये ब्राइडल मेकअप है गाइस, इसके लिए इसमें गोल्ड सिमरी कलर लिए हैं ताकि लुक अच्छा दिखे। देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है। इधर भी आप पहले लाइट कलर ले रहे हैं, लाइट शेड का लेकर के उसके बाद डार्क शेड लेना है गाइस। देखिए, लाइट शेड अप्लाई कर लीजिएगा अच्छे से, ऊपर की ओर करना है। देन डार्क शेड लेना है, वो भी अप्लाई कर देना है गाइस।
ये आई शेडो का पैलेट बहुत ही अच्छा है गाइस, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। इसमें हाइलाइटर, आईब्रो फिल करने का शेड, मतलब सब कुछ दिया है, 16 शेड दिया है, बहुत ही बढ़िया है। आप घर पे इजीली सीख सकते हो इससे और कर सकते हो मेकअप कर, इजीली हो जाएगा गाइस आपका। देखिए इसमें गोल्ड सिमरी कलर लेना है और आँखों में लगा देना है, ब्रश से ही अप्लाई करना है। देखिए कट क्रीज कितना अच्छा प्यारा बन गया है कट क्रीज, देखिए जैसे कट वो आंखों का शेप बनाए थे वैसे ही उसके अंदर से ही लगाना है गाइज आपको। ये गोल्ड दूसरा कलर का गोल्ड सिमरी हम लगाए हैं, देखिए शेप देते हुए लगा देना है इसको। ये गोल्ड सिमरी कलर का हम लगाए हैं, बहुत ही अच्छा रेडी होने के बाद लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो आप ट्राई कीजिए इस ब्राइडल आई मेकअप को करने का, हाथों पे प्रेस स्टिक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है गाइस। तो देखिए अभी हम आईलाइनर लगा रहे हैं, आईलाइनर लगाने का भी बहुत ही बढ़िया इजी तरीका है गाइस। देखिए एक बार लेना है ऐसे सीधा लगा देना है, कहीं रुकना उकना नहीं है गाइस। दोबारा से फिर अप्लाई कर लीजिएगा, उस पर 2-3 बार प्रेस टिक कीजिएगा, आ जाएगा इजीली आराम से गाइस। कुछ टॉप नहीं होता, सब इजी होता है गाइस। एक दो बार प्रेस टिक कीजिए आराम से, इजी आ जाएगा घर बैठे ही। इस साइड भी लगा लेना है आईलाइनर ऐसे ही, नीचे डार्क शेड दे रहे हैं हम, डार्क शेड इसलिए दे रहे हैं गाइस, तो हम लेसेस बनाने वाले हैं और लेसेस रियल दिखेगा ऐसे डार्क शेड देने के बाद, लेसेस बहुत ही रियल दिखता है गाइस, देखिएगा आप। देखिए अभी लेसेस बनाएंगे हम, हल्का हल्का रेशे बनाएंगे गाइस, आईलाइनर से ही बना रहे हैं हम। दोबारा से बना इस पे लगा लेंगे इसलिए कि थोड़ा घना दिखे, मीडियम में ही रखेंगे गाइस, ज़्यादा बड़ा होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम मीडियम में ही रखे हैं ये लैसेस। इस साइड का भी ऐसे ही बना लेना है गाइस, मीडियम में ही बनाएंगे हम। आईब्रो फिल कर रहे हैं हम आईलाइनर से ही गाइस, हल्के हल्के करिएगा ताकि हेयर का शेप दिखे, बस शेप दे रहे हैं हम, देखिए हेयर का शेप दिख रहा है। इस साइड का भी हम इसी से कर देंगे आईलाइनर से ही, इससे आईब्रो रियल दिखेगा गाइस। शेड लेना है फिर से लगा देना है, इसमें डार्क शेड लगाएंगे तो भी चलेगा, ब्राउन का डार्क शेड वो चलेगा। देखिए आप आईब्रो फिल कर रहे हैं रियल का भी गाइस, तो आप ब्राउन से करिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आईब्रो अच्छा दिखता है और बहुत लुक भी अच्छा लगता है ब्राउन से गाइस, तो आप ब्राउन से ही आईब्रो फिल कीजिएगा बेस्ट है। हाइलाइटर लगा रहे हैं हम दोबारा से ताकि इधर उधर रुक गया होगा हेयर का लुक देने में आईब्रो पे, तो अच्छे से अप्लाई हो जाए, लुक अच्छा दिखे। देखिए स्ट्रेट हो जाएगा गाइस, कितना इजी तरीके से ब्राइडल आई मेकअप रेडी हो गया गाइस। ये इनर साइड में हम थोड़ा हाइलाइटर लगा देंगे गाइस, इससे अच्छा आंखों का लुक अच्छा दिखेगा गाइस। देखिए हमारा आई मेकअप तो रेडी हो गया गाइस, ऐसे आप भी कर सकते हो घर बैठे ही, कर
कट क्रीज के साथ आई मेकअप सीख सकते हो, वो भी हाथों पे। गाइस इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट तो लगेगा नहीं, इतना ही जितना मैं बताई हूँ उतना ही ले लीजिए। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले इतना से ही स्टार्ट कीजिए, वो भी हाथों पे। डमी को छोड़िए, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथों पे प्रेस कीजिए, आ जाएगा इजीली। आप सीख सकते हो घर बैठे। एक पैलेट लीजिए आई शेडो का, एक नॉर्मल ब्रश ले लीजिए गाइस, एक वो फाउंडेशन लीजिए, लूज पाउडर ले लीजिए, आई लाइनर ले लीजिए। इससे ही आप बेस्ट आई मेकअप सीख सकते हो, मतलब बनाना सीख सकते हो करना, तो आप घर बैठे ऐसे ही। और आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए गाइस, हमारे चैनल का नाम है माई चॉइस माई स्टाइल पार्लर, जो यूट्यूब पे है। इससे रिलेटेड आपको इस पर वीडियो मिल जाएगा, तो आप देखिए और सीखिए। देखिए बिंदी भी लगा दिए हम, कितना अच्छा ब्राइडल लुक लग रहा है गाइस। अगर कुछ बोलने में गाइस गलती हो गई होगी तो प्लीज़ छोटी बहन समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। एंड देखिए सीखिए आप, दूसरा बिंदी चेंज कर दिए और अच्छा लुक लग रहा है गाइस। तो आप भी सीखिए गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर।